ढुल्लू के आतंक से परेशान ठेकेदार ने प्रशासन से लगाई गुहार। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जिनके आतंक से एक और शख्स परेशान होने का मामला प्रकाश में आया है। मामला रेलवे ब्रिज निर्माण कंपनी से रंगदारी मांगने से जुड़ा है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक नया रेलवे ट्रैक बनाने का काम टुंडू स्टेशन के समीप चल रहा है। निर्माण कंपनी में पेट्री कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे मॉडर्न इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर कतरास निवासी मोहम्मद रियाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई। मोहम्मद रियाज की माने तो लगभग 1.5 वर्षों से यहां निर्माण कार्य चल रहा है, पर विधायक ढुल्लू महतो द्वारा रंगदारी की मांग करने और मांग पूरी होने पर काम बंद करवा देने के कारण अत्याचार ये 4 महीने का कार्य हो पाया है। विधायक के गुर्गे अक्सर कार्यस्थल पर आकर काम बंद करवा देते हैं और विधायक को मैनेज करने की शर्त रखते हैं, जिसको लेकर लिखित शिकायत बरोरा थाना सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दी गई। साथ ही बरोरा थाना में ढुल्लू और उसके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया, पर ढुल्लू का आतंक कम नहीं हुआ। ढुल्लू के एक समर्थक राजू कालिंदी द्वारा एक केस भी मोहम्मद रियाज के खिलाफ दर्ज करा दिया गया है, जिसमें राजू कालिंदी ने निर्माण कंपनी में नियोजन मांगे जाने पर मोहम्मद रियाज द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अंततः कार्य को पूरी तरह बंद कर कर्मियों की छुट्टी कर दी गई। वहीं कार्य बंद होने से कार्यस्थल के समीप धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेलखंड के समीप ही रेलखंड 7 से करीबन 33 फीट एक गड्ढा कार्य के दौरान किया गया और उस गड्ढे में के पास बह रहे खोदी नदी का पानी जा रहा है, जो कभी भी भूस्खलन जैसी घटना का कारण बन सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि लगातार उनके लोग हमें धमकी दे रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन को सभी बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने ढुल्लू के समर्थक द्वारा झूठे केस की जांच की मांग और अविलंब निर्माण कार्य सुचारू करने की गुहार लगाई है। इन्होंने धरना प्रदर्शन कराया 26 तारीख से लेकर के, मतलब कंटिन्यू इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा। 26 तारीख को रोज मतलब BCCL के अधिकारी विधायक जी और प्रशासन बैठ करके ये फाइनल हुआ कि आपका रोड नहीं कटिंग होगा जब तक आपको नया रोड जो बन रहा है बना के कंप्लीट आपके हिसाब से नहीं दे दिया जाता है और काम चालू करने दिया जाए। उसके बाद मेरा काम चालू हो गया। काम शुरू होने के बाद फिर इनके लोग आते हैं 2 तारीख को और आकर के फिर से काम बंद करवा देते हैं। मैंने बोला भाई सब बात हो गया है, तो रमेश सर, आपके रमेश सर महतो थे और आनंद शर्मा थे, हम बोले जब सब बात हो गया तो फिर आप लोग काम क्यों बंद करा रहे हैं। बोला नहीं, विधायक जी का आदेश है, सो पहले कंपनी को बोलो मैनेज करेगा, जब तक थोड़ी आज रंगबाजी नहीं दोगे तब तक काम यहाँ करने नहीं, तुम जानता है बिना दिले यहाँ काम नहीं होगा। तो हम बोले ठीक है, हमने बरोड़ा थाना को इन्फॉर्म किया, बरोड़ा थाना को इन्फॉर्म किया, बरोड़ा थाना आई, आते ही ये लोग भाग गए वहाँ से। बरोड़ा थाना आकर काम चालू कराता है, काम चालू कराने के बाद तो बरोड़ा थाना वहाँ चला जाता, फिर ये लोग आके काम बंद करा देते हैं, जिसके बाद फिर हम फोन करते हैं तो फिर मैडम भी आती हैं, देश में मैडम भी आती हैं, बरोड़ा थाना भी आता है, आने के बाद काम चालू कराते हैं और फिर मुझे मजबूर होकर के विधायक जी और उनके दोनों लोगों के खिलाफ हम बरोड़ा थाना में कंप्लेन दे देते हैं। कंप्लेन देने के बाद विधायक जी और समर्थकों का, हम भी समर्थक रहे हैं, हम कहे समर्थक को बोलेंगे, का कहना है कि हमने मतलब झूठा केस विधायक जी पे किया है। आज फिर विधायक जी ने काम बंद करवाया है हमारा 5 तारीख को। आप बताएं कि हमने मतलब कि जो केस किया था क्यों किया था कि हमारा काम चालू रहे। बार बार हमको रंगबाजी के लिए परेशान किया जा रहा है, कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, 1-2 रुपये का नहीं हो रहा है। अभी तक बढ़ाकर 16 से 17 लाख रुपये खाली पेमेंट दे चुकी है। नियोजन के हिसाब से वहीं के लोग काम कर रहे हैं, उस गांव का कंपनी में हमारे लोग जो काम कर रहे हैं 40-50 लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है। हम लोगों ने कहा भी कि काम चलने दिया जाए, काम नहीं चलने दिया गया। दोबारा 5 तारीख को काम बंद करा दिया गया है, काम बंद है, काम हम लोगों ने बंद कर दिया है। स्टाफ लोगों को भी बोल दिया कि ठीक है हम बैठा कर तो पैसा दे नहीं पाएंगे, सो हम लोगों ने छुट्टी कर दिया है लोगों का। और उसके बाद 3 तारीख को विधायक जी ने हम पर दबाव बनाने के लिए केस करवाया राजू कालिंदी से, कि राजू कालिंदी हमारे पास काम मांगने आए थे तो हमने और हमारे भाई इकबाल कुरैशी ने उनको मार के और जाति सूचक गाली देकर के वहां से भगा दिया, जबकि सरासर गलत है। उस जगह पर विधायक जी के ही लगाए हुए लोग हैं, ड्यूटी पे गार्ड हैं, प्रशासन इंक्वायरी करा सकती है, वहां सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। 3 तारीख को पूरे दिन हम वहां नहीं गए और रह गए इकबाल कुरैशी, तो वो तो जब से काम चालू हुआ वो जगाते ही नहीं, उनका तो मोबाइल का दुकान है अपना यहाँ पर छादाबाद पुल के पास, वो अपना दुकान देखते हैं, उनको हमारे कॉन्ट्रैक्टी और ठेकेदारी से कभी कोई मतलब रहा नहीं है। और राजू कालिंदी जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं,
और प्रशासन या आप प्रेस मीडिया उनसे मिलिए, वो आपको सारी हकीकत सच्चाई बता देंगे। वो ऑलरेडी कहीं ड्यूटी करते हैं। और क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।